Hey guys, good evening, राम राम सर सभी को। तो कैसे हो दोस्तों आप? अभी बजे हैं शाम के 5:11 और मैं आ गया हूँ अहिंसा स्थल। बलौर बस स्टैंड से 8.6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ के एक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पहले भी आया था एक बार, तो अभी आया हूँ फिलहाल ब्लॉग के पर्पज़ से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, करते हैं एक्सप्लोर अहिंसा स्थल को। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ ब्लॉग। गाइस बाहर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा अहिंसा स्थल। ये है मेन गेट, तो चलते हैं अभी अंदर। कलातीत अहिंसा स्थल पुण्यधरा श्री दिगंबर जैन मंदिर। अंदर चलते ही आपको चप्पल जो है, तो चप्पलों को विशेष ध्यान रखना है, उनको यहीं उतारनी है बाहर की तरफ। तो एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में अहिंसा स्थल लिखा हुआ, तिथि ग्रह लिखा हुआ है। ये बेसिकली महाराज जी जो आते हैं वो यहाँ रुकते हैं और ये अहिंसा स्थल अलवर है। अब चलते हैं, चलते हैं गाइस थोड़ा सा अंदर। सजावट के हिसाब इसलिए है कि प्यूषण पर्व चल रहा है, तो उसी वजह से यहाँ पर सजावट की गई है। तो जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, किस तरह पेड़ों को सजाया हुआ है और यहाँ बेसिकली अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये है, इसमें अब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान आदिनाथ। तो ये जो है कैलाश पर्वत का दृश्य है जहाँ पर भगवान आदिनाथ विराजमान है। यहाँ सामने लिखा हुआ है चरण श्री आदिनाथ भगवान जी, ऊपर की तरफ आदिनाथ भगवान जी के चरण है। और चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, देखते हैं क्या है। चलो गाइस ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए आदिनाथ भगवान जी के चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्ति मतलब कुछ पोएम्स वगैरह में लिखा हुआ है श्री आदिनाथ नमः। अब इसके पीछे देखते हैं, यहाँ पर ये कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र पर भगवान आदिनाथ की स्मृति में भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित 72 जिनाल्य। ये 72 जिनाल्य हैं कैलाश पर्वत पर भगवान आदिनाथ। वहाँ सामने जो है वो भगवान आदिनाथ है हमारे। और ये टोटल जो आपको दिख रहे हैं ये टोटल 72 जिनाल्य हैं, तो जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित हैं। तो उसका एक छोटा सा रूप यहाँ पर लगाया गया है, तो काफ़ी अति मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ से इनको देखकर। तो जहाँ पर ये स्थित है वहाँ कैसी वाइब्स आएंगी, बहुत ही शानदार। तो अब इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या स्थित है। चलिए गाइस अब ऊपर चलते हैं। आ जा तो गैस यहाँ राइट हैंड साइड वाला जो दरवाज़ा है वो बंद है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला दरवाज़ा खुला है। तो इधर से ऊपर चलते हैं तो देखते हैं। आ जाओ बेटा आ जाओ। भावना योग ध्यान केंद्र, भगवान महावीर शांतिनाथ आदिनाथ पार्श्वनाथ के दर्शन एवं गुफाएं। अंदर चलते हैं। तो अंदर घुसते ही यहाँ पर ध्यान केंद्र प्रवास द्वार, तो इसको खोलते हैं। एक मिनट रुक, मैं देख के आता हूँ पीछे क्या है। तो ये तो पीछे, अच्छा ये तो गोल गोल घूम के वापस यहीं आ जाएगा। आ जा आ जा। तो गाइज ये जो पीछे की तरफ एक पूरी नीचे से पीछे पूरी ट्रेल बनी हुई है, मतलब सड़क रास्ता है, एक से निकलते दूसरे में एंटर हो जाते हो। तो अब अपन चलते हैं इधर केंद्र में, चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड में चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। तो ये है हमारा ध्यान केंद्र। ओके, आप यहाँ से भी आ सकते हो, छोटा सा रास्ता। तो यहाँ पर भगवान महावीर जी का बना हुआ है, थोड़ा अंदर चलते हैं। तो ये छोटे छोटे ध्यान केंद्र बनाए हैं, वाइब्स पॉजिटिव आए। ये हमारे भगवान महावीर जो ध्यान केंद्र अंदर स्थित है। और थोड़ा सा चलते हैं, ये भी एक ध्यान केंद्र है, लाइटनिंग के लिए यहाँ से दिखा हुआ है। ये अखंड ज्योत जो अभी भी जल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, आप पे मतलब पूरी नज़र है। यहाँ झुकने के बाद ये एग्जिट आ जाता है। तो चलो गाइस बाहर चलते हैं। तो ये ध्यान केंद्र रखते हैं। चलो गाइस आप चलते हैं। ये ध्यान केंद्र था। ओ गाइस की डाउन, सर नीचे करके चलना। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो अब अपन ध्यान केंद्र से तो बाहर आ गए, अब ऊपर चल के देखते हैं
ऊपर कुछ है क्या? ये ओपन हो जाएगा क्या? तो ये दरवाजा शायद खुल जाएगा। ओ फाइनली खुल गया है दरवाजा। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर अंदर स्थित है हमारे भगवान जैन धर्म के अनुयायी। ये है हमारे भगवान आदिनाथ, लिखा हुआ था बाहर अगर गलत, आरती भगवान आदिनाथ की, तो डेफिनेटली आदिनाथ भगवान है। और ऊपर अच्छे से बहुत ऊंचाई तक एक झुमका भी लटका, तो जय भगवान। तो गाइस इसके परिक्रमा स्थल है, यहाँ पे अपन साथ परिक्रमा लगा सकते हैं। ये गेट कितना सुंदर बना हुआ है ना, हीम लिखा हुआ है, और ये जैनियों का सिंबल, ये भगवान, ये लोटे का सिंबल, मतलब काफ़ी अच्छा सुंदर। और ऊपर लिखा हुआ है ओम, साथिया का सिंबल बना हुआ है, बहुत ही अति सुंदर। ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है ये मंदिर, यहाँ चरण स्थल, ये हमारा कैलाश पर्वत, बेहतर जिनाले जहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ बेहतरीन सौंदर्य के साथ बिखरा हुआ, मतलब अलग ही वाइब्स हैं यहाँ पर। तो गाइज यहाँ के ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, फील बहुत अच्छा होता है, थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स लगती हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सा है। और तो ये था हमारा अहिंसा स्थल, और ये पीछे भगवान जैसे सब बेहतर जिनाले, मतलब कैलाश पर्वत पर ही स्थित है रियली में यार, और इनका छोटा सा यहाँ बनाया गया है, तो वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो चलिए गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम सा सभी को, जय जिनेन्द्र। जाते जाते मेरी नज़र अब पड़ी वहाँ पर भी ओम लिखा हुआ है, मतलब ये जैन धर्म और हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है।